सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए होगी कोई भी एलएलसी या एलटीडी, कुछ भी आपके पास, दोनों में से कुछ भी हो, या दोनों भी, वो भी नहीं है तो फिर आप एसएसएन, ठीक है, वो हो, या कोई भी, यानी कि पहले सबसे पहले हम जो मेन चीज़ पे आ जाते हैं वो है एलिजिबल कंट्री का होना, ठीक है, एलिजिबल कंट्री रेजिडेंट, रेजिडेंट होना, ठीक है। सबसे पहली जो चीज़ मैटर करती है फेसबुक पे आउट के लिए वो ये चीज़ है, एलिजिबल कंट्री का रेजिडेंट होना बहुत लाजमी है हमें इसके लिए। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे मैटर करती है अब वो है हमारे पास उसी कंट्री का, जो भी वो कंट्री है उसी कंट्री का हमारे पास उसका आईडी कार्ड या लाइसेंस या कोई भी रिक्वायर्ड जो भी चीज़ है टैक्स आईडी वेरिफिकेशन के लिए, जो जो चीज़ें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो चीज़ होना ज़रूरी है जो भी उस कंट्री की है। लेट्स फॉर, अगर मैं एग्जांपल दूं, हम यहाँ पे राइट नाउ एग्जांपल दे देते हैं यूएसए की। अगर मैं यूएसए की एग्जाम्पल दूँ तो यूएसए में हमारे पास इसके लिए एसएसएन या ईआईएन, ठीक है, या आईपीएन, ठीक है, होना ज़रूरी है। अगर मैं बात करूँ यूके की, ठीक है, यूके की बात करूँ तो यूके में अगर सेम, कुछ लोगों को ना पता नहीं है इस चीज़ का, तो यूके में अब ना हमारे पास एसएसएन है ना हमारे पास, तो हमें यूके में क्या चीज़ चलेगी, यूके में चलेगा यूटीआर, यूके में यूटीआर होता है, ठीक है, तो वहां पे ये चीज़ चलेगा। सो ये चीज़ें हमारे पास होना ज़रूरी है जिनसे हम टैक्स आईडी को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ हमें इस सब के लिए जो चाहिए होगी, ऑब्वियसली एलिजिबल कंट्री में होंगे तो ऑब्वियसली वीपीएस के बगैर अप्लाई नहीं करना, अपने जब भी पेज को करेंगे तो वीपीएस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वीपीएस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, तो ये चीज़ एक तो आप समझ लें। तीसरी चीज़ जो हमें इसके लिए रिक्वायर्ड है, ऑब्वियसली हमारा पेज का क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, पेज क्राइटेरिया। अब पेज का क्राइटेरिया क्या है, न्यू जो फेसबुक पेज का क्राइटेरिया, वो पेज का क्राइटेरिया है 60K, ठीक है, 60K वॉच टाइम, ठीक है, वॉच टाइम अब 60K मिनट्स हो गए हैं, और 10K फॉलोअर्स हैं, ठीक है, खैर इसको महीना हो गया इस अपडेट को, सो अब ये हो चुका है। लेकिन कुछ टेक्नैलिटीज, कुछ चीज़ें हैं वो ज़रा समझना बहुत ज़रूरी है। अब वो समझिएगा वो क्या क्या चीज़ें हैं जिनको ना समझना, हमने गलती नहीं करनी। हालांकि फेसबुक की अपडेट आ चुकी है, फेसबुक की अपडेट में नया वॉच टाइम और क्राइटेरिया 60K और 10K फॉलोअर्स वाला हो चुका है, बट मजे की बात बताऊं, अभी हमने कुछ एक चीजों को देखा, जिन जिन पेजेस को हमने 60K और 10K फॉलोअर्स के साथ अप्लाई किया, सॉरी ये 10K मैं मेंशन करूं, सॉरी 5K, ठीक है, जिन जिन पेजेस को हमने 60K वॉच टाइम और 5K फॉलोअर्स के साथ अप्लाई किया, वो पेजेस फेसबुक ने अभी तक रिव्यू में डाले हुए हैं, उनमें से कोई इक्का दुक्का अप्रूव हुआ है और बाकी नहीं हुए, ठीक है। और जिन पेजेस को हमने क्या किया, जिन पेजेस को हमने पुराने क्राइटेरिया पे डाला, पुराना क्राइटेरिया क्या था, ठीक है, पुराना क्राइटेरिया ये था, ठीक है, फेसबुक का वो था, पुराना क्राइटेरिया ये था 600K का वॉच टाइम, ठीक है, 600K का वॉच टाइम और 10K फॉलोअर्स, ठीक है, 10K फॉलोअर्स, ये तो पुराना। अच्छा, जिन जिन पेजेस को हमने पुराने वॉच टाइम के साथ और पुराने क्राइटेरिया के साथ अप्लाई किया, मजे की बात बताऊं, उन पेजेस पे हमें अप्रूवल रेट जो मिला वो मिला 70 से 80% का, और जिन पेजेस को हमने इस पुराने न्यू वाले के साथ अप्लाई किया है 60K वॉच टाइम और 5K फॉलोअर्स के साथ, उन पेजेस के ऊपर हमें जो अप्रूवल अभी तक आ रही है वो आ रही है 5 से 10% की। मतलब हम समझ लें आपके, हम 20 पेज में अप्लाई करते हैं ना, 20 पेज, तो 20 में से हमारे समझ लें आपके 1 या 2 पेज अप्रूव हो रहे हैं इंस्टेंट, बाकी रिव्यू में जा रहे हैं, पेंडिंग जा रहे हैं, हो नहीं रहे, ठीक है, क्या पता शायद बाद में हो जाए, लेकिन राइट नाउ जो इंस्टेंट अप्रूवल जा रहा है वो हमारा सिर्फ 5 से 10% का जा रहा है न्यू क्राइटेरिया के साथ। ये वाला हमारा न्यू क्राइटेरिया है, ये वाला ओल्ड क्राइटेरिया, ठीक है, ओल्ड क्राइटेरिया के साथ ये हमारा जा रहा है। अच्छा, अगली चीज जो हमारे पास जरूरी है वो हमारे पास बैंक अकाउंट होना जरूरी है, ठीक है, बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट ऑफ एलिजिबल कंट्री। अच्छा, इसमें अब एक और चीज बता दूं, पहले जो हम करते रहे हैं, हम क्या करते थे, पहले पहले हम पे आउट वेरीफाई करवा के एंड टाइम पे जब हमारी पेमेंट आनी होती थी, हम अभी भी कुछ लोग करते हैं, हम पाकिस्तानी बैंक अकाउंट लगा देते हैं, ठीक है, या लगा देते थे, उसके इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। एक सबसे पहला उसका जो इश्यू है, हमारे 90% चांसेस हैं पेमेंट ब्लॉक होने के, फेसबुक पेमेंट नहीं देता, आ भी जाए पाकिस्तान आ भी गई पेमेंट, आपके बैंक वाले आपको बहुत ज्यादा जलील करेंगे, ठीक है,
बिना किसी वजह के डील करें, क्योंकि आपके पास कोई मनी ट्रायल नहीं होगी, कोई आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, सब कुछ आपने फेक चीजों पे बनाया होगा। बैंक वाले आपको बहुत जलील करेंगे पेमेंट देते हुए, डॉलर रेट पे भी जलील करेंगे, पेमेंट पे जलील करेंगे, तो इसलिए क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा। तो बजाय इसके कि फेक चीजों पे जाएं, तो कोशिश करें, सभी ई कॉमर्स के लोग हैं, सबके पास एटलीस्ट कोई ना कोई रिसोर्स होगा, कोई ना कोई जानने वाला होता है, बाहर ही होता है, तो ओरिजिनल डिटेल्स ले लें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा हमें इसके लिए, ठीक है। अच्छा, अगली चीज ये भी हो गया, तो अब हम चलते हैं पेज के ऊपर कोई भी, ठीक है। अभी मेरे पास सेटअप वाला हमारे राइट नाउ पेज को हम नहीं कर रहे, मैं आपको सिर्फ डेमो देना था आज पेआउट का, बाकी ये पेआउट कैसे बनाना है उसका मेरे पास एक प्रीवियस सेशन भी मैंने किया हुआ है फेसबुक पेआउट बनाने का, वहां से भी देख लीजिएगा, लेकिन आज डेमो जो दे रहा हूँ डेमो में आप समझ लें, भी चीज आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चले जी, ये हम खोल देते हैं और बाकी चीजें साथ साथ आपको समझाता जाता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज, अभी मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ये मेरे पास एक एक पेआउट था, ये वाला, ठीक है, पेज था आयशा खान वाला, इसके ऊपर मैंने पेआउट बनाया हुआ था। अब मैं इसके ऊपर, खैर ये मेरा W-9 फॉर्म वेरीफाइड है, ठीक है, लेकिन अब मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, फिलहाल दोबारा से सेट कर लेते हैं, ठीक है, न्यू आपके लिए बनाना है। अच्छा, अब जब भी आपको ना, जब आप पेज पे जाएंगे ना, आपको रुके मैं समझा देता हूँ, आपको ना गेट स्टार्टेड की ऑप्शन आ रही है, बटन आ रहा होगा, कैसे आएगा वो बताता हूँ आपको अभी, ये देखो, ये देखो आपको ना इस तरह, ये देखो, ये वाला जैसे इस ब्रांडेड कंटेंट के आगे सेटअप आ रहा है ना, ठीक है, इस तरह सेटअप का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है, जब भी आप इस पेज को अप्लाई करोगे, ठीक है। खैर ब्रांडेड कंटेंट, पहले ब्रांडेड कंटेंट के लिए भी हमें पेआउट बनाना पड़ता था, अब इसके लिए हमें पेआउट नहीं बनाना पड़ता ब्रांडेड कंटेंट के लिए। ब्रांडेड कंटेंट के लिए अब हम सीधा जाते हैं इस पे, तो हम क्लिक करते हैं यहाँ से, ये हमें ले जाता है एक्सेस के लिए, हम यहाँ से अपना वही पेज सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज मेरा को ये वाला पेज था जर्सी वाला, मैं इसको सेंड कर देता हूँ, ये फॉरन अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, योर रिक्वेस्ट टू यूज ब्रांडेड कंटेंट वाज अप्रूव, यू कैन नाउ टैग प्रोडक्ट्स इन, ठीक है, तो हम इसमें अब टैग कर सकते हैं, जो हम कोलैबोरेटर वाला वो ऑप्शन भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये खैर हमने इसको कर दिया, तो इस तरीके से अब मैं इसको अगर रिफ्रेश करूंगा तो ये ऑटोमेटिक, इस पर हमें पेआउट लगाने की जरूरत नहीं है, ये देखो ये हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे व्यू टूल का ऑप्शन आ रहा होगा अभी, अभी देख देख लो, ये देखो, ये था हमारा चेस, ये देखो, ये देख रहे हो व्यू टूल का ऑप्शन आ गया इस पे, ये ब्रांडेड कंटेंट पे, ठीक है। सो खैर अभी हमने बैंक लगाना, तो जैसे हम जाएंगे उसके बाद अब वो कहेगा आपने दो ऑप्शंस देगा आपको, पेआउट पुराना लगाना है नया लगाना है, ठीक है। हम खैर न्यू पेआउट क्रिएट करके हमें इस पेज पे ले जाएगा सामने, हम उस पेज पे जाते हैं सामने सीधा, ये देखे जी। एक चीज समझ लो, जो मेन एक और चीज आपको समझानी है, यहाँ पे दो किस्म के फॉर्म होते हैं पेआउट अप्लाई करते हुए, एक है ये W-8 फॉर्म, कौन सा फॉर्म है, W-8 फॉर्म, ठीक है, और एक है हमारे पास W-9 फॉर्म, ठीक है। अक्सर लोग कहते हैं कि W-8 फॉर्म पे वेरीफाई नहीं होता, वो बकवास करते हैं, वो भी समझ लो फर्क क्या है, और एक है W-9 फॉर्म। W-8 फॉर्म को बेसिकली हम बैन फॉर्म बोलते हैं, BEN फॉर्म, ये बेसिकली होता है फॉरनर्स के लिए, बाहर के मुल्क से कोई भी बंदा US में बिजनेस करना चाहता है, बेशक अमेजोन पे कर रहा है, बेशक फेसबुक पे या कहीं भी, जब वो अमेरिका के अंदर अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करवाएगा या उसने अपना पे आउट वो करवाएगा, तो वो वहां से W-8 फॉर्म को बनाएगा, ठीक है, क्या बनाएगा, W-8 फॉर्म बनाएगा। W-8 फॉर्म क्या होता है, फॉरनर्स के लिए होता है, लेट्स सपोज आप पाकिस्तान, UK से जा रहे हो, यूरोप से जा रहे हो, वहां से जा रहे हो, तो जो आप बिजनेस टैक्स के लिए जो फॉर्म सबमिट करोगे वो होगा W-8 फॉर्म, जिसको बैन फॉर्म बोलते हैं। अगर आप US रेजिडेंट हो या डायरेक्टली आप US के साथ जा रहे हो, ठीक है, US के अंदर से अप्लाई करो SSN के साथ या EIN के साथ अपनी कंपनी के साथ, तब आप जो फॉर्म सबमिट करवाओगे वो ये वाला फॉर्म होगा, वो होगा हमारा ये W-9 फॉर्म, ये देखो ये वाला, वो ये W-9 फॉर्म होगा, ठीक है। अब हम इसको अपडेट करते हैं तो कैसे करेंगे और वो समझा देता हूँ आपको तरीका, ये देखो, सबसे पहले आपने यहां से क्या करना है, कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, सबसे पहले कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है अपने पे आउट के ऊपर। यहाँ पे आपने, लेट्स सपोज हम, हमारे पास EIN है, तो हम क्या करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स हमने सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से हमने यूनाइटेड सेलेक्ट कर लिया है। दूसरा बिजनेस टाइप, हमारा बिजनेस क्या है, हमारी बिजनेस है LLC, ठीक है, अब वहाँ पे इंडिविजुअल की ऑप्शन आ रही है या LLC की ऑप्शन आ रही है, मल्टीपल आपको ऑप्शन आ रही है, आपने वहां से LLC या इनकॉर्पोरेशन जो भी आपके पास होगा आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, कर लिया।
नेक्स्ट आपके बिजनेस का जो भी लीगल नेम होगा, जो भी, लेट्स सपोज ये मेरे बिजनेस का लीगल नेम था एमएमजे ट्रेडिंग को, ठीक है, एलएलसी, मैंने यहाँ पे इसका बिजनेस का नेम डाल दिया, बिजनेस का एड्रेस डाल दिया, सिटी डाल दी, अपनी ईमेल डाल दी, अपना मोबाइल फोन नंबर डाल दिया, इसको हम नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है, यार अपना पासवर्ड डाल दूंगा, पासवर्ड डाल दिया, ये मेरा यहाँ से अब हो गया। अगली जो चीज यहाँ पे आएगी वो हमें फिर इस पेज पे ले आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपने फेसबुक का जैसी भी यहाँ से आपको आगे लेके आएगा, अब आपको ले आएगा, आपने डालना है अपना EIN नंबर। मुझे रुके यार, इसमें मेरे पास एक सेटअप वाला पेज पड़ा है, मैं वही पेज निकाल लेता हूँ, आपके लिए आसानी हो जाएगी इससे, एक सेकंड रुके। मैंने सेटअप वाला पेज निकाल लेता हूँ, इससे आपको आसानी ज्यादा हो जाएगी। सेटअप सेटअप वाला पेज RDP में देखते हैं, रुके। ये सब में सारे मोनेटाइज पेजेस हैं, सो सेटअप वाला पेज देखना पड़ेगा, एक सेकंड। RDP की जरा इसकी VPS की स्पीड कम है, खैर मैं RDP यूज नहीं करता, मेरा VPS है। सारे ही यहाँ से अप्रूव हुए हैं, मैं देख रहा था कोई गेट स्टार्टेड वाला पेज मिल जाता ना आपको और आसानी हो जाती, एक सेकेंड। अच्छा, इस पे फॉलोअर्स, इस पे भी, ये भी अप्रूव पेज है। एक सेकेंड, एक पेज और है, ओके, उसका मेरे ख्याल से सेटअप वाला होने वाला है। जस्ट एक सेकंड सिर्फ दीजिएगा, मैं सेटअप वाला पेज निकाल लूँ कोई, बस एक सेकंड साथ रहिएगा।
जी थैंक्स फॉर हैविंग पेशेंस। सो सही यार, सेटअप वाला अभी राइट नाउ पेज नहीं मिल रहा, खैर लेकिन हम इसके बगैर इसको समझ लेते हैं चीज़ को सारा। बाकी मेरी वॉल के ऊपर जो प्रीवियस एक सेशन पड़ा हुआ ना, जो पेआउट के ऊपर कंप्लीट, मैं उसका लिंक भी आपको दे दूंगा। मैं वो में से हाइड किया हुआ था मैंने, लेकिन वो भी मैं ओपन कर दूंगा आपको ना, आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को ईजीली समझ आ जाए पेआउट कैसे ऐड करना। सही है। सो क्योंकि अभी राइट नाउ मुझे लगा था शायद वो गेट स्टार्टेड वाला है, लेकिन वो गेट स्टार्टेड की ना ऑप्शन नहीं आ रही हैं अभी, तो वो चीज़ बस ये समझा के इसको टेक्नैलिटीज पे हम लोग आते हैं और फिर आगे सारा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो खैर बैंक कैसे ऐड करना है आपको पता चल गया, LLC कैसे ऐड करनी है, LLC ऐड कर दी, बिजनेस की डिटेल्स ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे बैंक की ऑप्शन पे जाएंगे जैसे ही, तो यहाँ पे आप अपना बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे, या आपका यूनाइटेड स्टेट्स का नहीं है तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ आपका यूके का बैंक है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का, यूके का करेंगे तो ये यूके वाला ये आई बैन नंबर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल है बेसिकली। फेसबुक का हेड हम कहते हैं कि सब कुछ ईच एंड एवरी थिंग जो बेस है वो US में है, यूके या कोई भी अदर एलिजिबल कंट्री है वो सारी बाहर की कंट्रीज हैं, तो जब बाहर से आएंगे तो हमें आई बैन डालना पड़ेगा। बाहर से किसी भी कंट्री से आते हैं, लेट्स सपोज मैं ये तो किसी भी और कंट्री को सेलेक्ट करता हूँ, अफगानिस्तान या कुछ भी, ठीक है, तो हमें आई बैन या स्विफ्ट कोड और अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा। पाकिस्तान में भी यही आएगा, अगर पाकिस्तान का हम डालते हैं तो ये देखो यहाँ पे भी यही आएगा, आई बैन या स्विफ्ट कोड, ठीक है। तो अगर US को डालेंगे तो US में राउटिंग नंबर आता है और वही आता है अकाउंट नंबर, ठीक है, ये डाल देंगे यहाँ पे। तो हम जैसे बैंक नंबर अकाउंट नंबर डालेंगे, ये मैं भी डाल के दिखा देता हूँ, 9 नंबर का ये राउटिंग नंबर होता है, राउटिंग नंबर डाल के अकाउंट नंबर डाल के आप ये भी डाल सकते हैं। दूसरी चीज़, आप अभी नई ऑप्शन है हमारे पास पेपाल की और ऑनलाइन बैंकिंग की, आप ये भी डाल सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन बैंकिंग क्या है, ऑनलाइन बैंकिंग में आप, ठीक है, अपना कोई भी बैंक के साथ लॉग इन करके मेटा में वो आप डाल सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ से मेरा बैंक नहीं आ रहा तो उसको मैं नहीं डालूँ, क्योंकि पहले यहाँ से म्यूचुअल लिंक करना होता है बैंक को। और आप पेपाल भी अटैच कर सकते हो इसके साथ, ठीक है, पेपाल अटैच करना चाहो तो आप यूज़ पेपाल पे क्लिक करके, ये आपको उधर ले जाएगा पेपाल पे, पेपाल लॉग इन करके, तो ये पेपाल भी अटैच कर सकते हो आप इसके साथ, ठीक है। खैर इसको कर लेंगे तो म्यूचुअल बैंक पे हम फिलहाल आते हैं। यहाँ से फिलहाल मैं अपने बैंक की कोई भी डिटेल्स डाल देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है, मैं डिटेल्स डाल के ताकि आप लोग समझ आ जाए। ये लो जी, ये मैं बैंक की डिटेल्स डालता हूँ जी, और हम पहले डालते हैं अकाउंट होल्डर नेम, लेट्स सपोज मैं अपना डाल लेता हूँ, ठीक है, तो मौजम, ठीक है, यहाँ पे हम डाल देंगे इसका राउटिंग नंबर, ठीक है, राउटिंग नंबर ये हमारे पास 9 डिजिट्स का नंबर होता है, ठीक है, लेट्स से लेट्स सपोज अगर मैं अपने केस एग्जांपल दूँ तो ये मेरा राउटिंग नंबर है, ठीक है, अकाउंट नंबर, ठीक है, अगर US की मैं बात करूं यहाँ पे जो मैं अपना अकाउंट है ये 16 डिजिट्स का मेरे पास अकाउंट नंबर होगा, मैं ये 16 डिजिट्स का अपना अकाउंट नंबर डाल दूंगा, ठीक है, तो ये डाल के जो भी मेरा अकाउंट नंबर है खैर XYZ, तो मैं ये अकाउंट नंबर डाल के जैसे ही डालूंगा तो यहाँ पे मुझे लिंक बैंक आ जाएगा, ठीक है, बैंक मेरा यहाँ से लिंक हो जाएगा, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरा बैंक यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ से मेरा बैंक लिंक हो जाएगा, एक सेकेंड ये श्योर है, खैर जी आप अपना बैंक अकाउंट जैसे ही डालेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट डाल के, तो ये आपके सामने ये यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट अटैच हो जाएगा, ठीक है, बैंक अकाउंट आपका अटैच हो जाएगा। अब इशू जो लोगों को अक्सर आता है, वो लोगों को इशू आता है दो चीज़ों पे जो समझाने की यहाँ पे चीज़ें हैं। आप कंट्री भी सिलेक्ट कर लेंगे, कर ली, बिजनेस भी सिलेक्ट कर लिया, बिजनेस नेम भी सिलेक्ट कर लिया, एड्रेस भी कर लिया, सब कुछ डाल दिया, नंबर भी डाल दिया, ठीक है, जो इशू आता है वो आता है EIN नंबर पे, EIN नंबर पे, ठीक है, या EIN नंबर नहीं होता, या SSN नहीं होता, या UTR नहीं होता, ठीक है, उसका आपको एक अच्छा हल बताऊं, सबसे सस्ता हल, अगर सस्ते में करना चाहते हो उस चीज़ को, ठीक है, आप सबसे पहले यूके की कंपनी फॉर्म कर लो, ठीक है,
यूके की कंपनी फॉर्म कर लो, उसके लिए आपके पास यूके का एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। अब भले आप कहीं से भी एड्रेस ले लो, किसी रिश्तेदार से ले लो, या नेट से परचेज कर लो, ठीक है। आप कहीं से भी, लेट्स सपोज मैं कुछ दे देता हूँ आपको, आप नेट पे लिखोगे ना यूके एड्रेस, ये एक अलग टॉपिक है पूरा, ठीक है। लेकिन आप नेट पे लिखोगे यूके एड्रेस, यूके एड्रेस लिख के वो एड्रेस वर्चुअल ऑफिस से कहीं भी आप लेके, उस एड्रेस के ऊपर 12 पाउंड की कंपनी बनती है, ठीक है। 30-40 पाउंड का एड्रेस, टोटल 40-50 पाउंड का खर्चा है, ठीक है। लेकिन उसका फायदा ये है, उसके ऊपर आपकी यूके की कंपनी बन जाएगी, और जब आपकी यूके की कंपनी बनेगी और उस एड्रेस के ऊपर, आप वाइज का बैंक अकाउंट भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, बिजनेस बैंक अकाउंट, और आपको ये तमाम इश्यूज भी नहीं आएंगे, ठीक है। आपको यूटीआर मिल जाएगा, यूटीआर वो आपके घर के एड्रेस के ऊपर, उसी एड्रेस के ऊपर भेजते होते हैं, वो आपको यूटीआर नंबर मिलेगा, आप उस यूटीआर नंबर से W8 हो गया, वेरीफाई हो जाएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। कोई इश्यू आएगा भी सही तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसकी जो ना सेटअप के साथ वाली डिटेल मैंने बनाई हुई है, वो मैं ना लिंक अभी देकर उसको शेयर कर दूंगा आपको इसके साथ, ठीक है। वो आप वीडियो देख लोगे, क्योंकि राइट नाउ मैंने बाकी सारा समझा दिया, लेकिन ना वो सेटअप की अगर ऑप्शन होती ना, उससे ज्यादा बेहतर तरीके समझ आया था। सेटअप की अभी ऑप्शन नहीं थी, तो इसलिए थोड़ा सा आपको आई थिंक थोड़ी सी शायद हुई होगी, थोड़ा सा आपको चीज समझ नहीं आई होगी, ठीक है। तो सेटअप वाली वीडियो भी कर दूंगा, और फिलहाल जितना है वो आपको समझा दिया सारा, ठीक है। और आपकी तमाम जो ऑनर का नेम है वो वही होगा जिसके नाम पे कंपनी होगी, और कंपनी नहीं है तो आप SSN डाल के भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, लोगों के कुछ कंसर्न आते, क्वेश्चन ये आते हैं कि सर हमारा ना वाइज में हमने पैसे मंगवाए, तो वाइज पे हमारा क्या हुआ, हमारा या तो पे आउट डिसेबल हो गया, या हमारे पे आउट के ऊपर कोई और इशू आ गया, मतलब और बहुत सारे इशूज आ गए, तो सर उसका हम क्या करें। भाई उसकी एक बात सुन लो, आपके ये तमाम जितने भी इश्यूज है ना, ये वाइज से नहीं होते, ठीक है। वाइज की वजह से इशू नहीं होते, ये इशू फेसबुक अनयूजुअल एक्टिविटी की वजह से होते हैं, ठीक है। पे आउट जो डिसेबल होता है, वो क्यों होता है पे आउट डिसेबल, ये जैसे अभी मैं पे आउट ये चेंज कर रहा था ना, आपने क्या किया, आप बार बार जब पे आउट चेंज करते हो, पे आउट चेंज करोगे तो क्या होगा, आपका पे आउट डिसेबल हो जाएगा। और जब आप पे आउट एडमिन बार बार स्विच करोगे, शिफ्ट करोगे एक आईडी से दूसरी आईडी पे, उस वक्त भी आपका पे आउट डिसेबल हो जाएगा, ठीक है, और आपकी पेमेंट नहीं आएगी। और नॉर्मली ज्यादातर लोगों के जो पैसे नहीं आ रहे हैं ना, जो इश्यूज आ रहे हैं, वो आ रहे हैं वाइज के इंडिविजुअल बैंक अकाउंट्स में। वाइज का अगर बिजनेस बैंक अकाउंट जिसके भी पास है, उस पर अभी तक मेरे सामने कोई इशू नहीं आया, कोई केस नहीं आया, ठीक है। जो इंडिविजुअल अकाउंट है उसके ऊपर इशू आएगा, बाकी दूसरे वाले पे नहीं आएगा, ठीक है। दूसरे वाले पे कोई, अगर मैं इसका डिटेल में पे आउट देख भी लूँ ना, तो ये देखो, ठीक है, ये देखो, ये डिफरेंट पे आउट लगे हुए हैं इसमें, तो इसमें से भी कोई भी पे आउट डिसेबल नहीं है, ठीक है। डिसेबल होता है तो ऊपर वो शो कर रहा होता है, ठीक है, कि भाई आपका ये जो है ये डिसेबल है। तो इसमें से कोई भी हमारा पे आउट अभी तक डिसेबल नहीं है, सारे पे आउट फिलहाल ठीक चल रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी पे आउट डिसेबल नहीं, डिसेबल होता तो ऊपर वो लिखा आ जाता पे आउट, ठीक है, कि पे आउट डिसेबल है या नहीं है, या ये देखो ये वाला डिसेबल है, ये देख रहे हो, योर पे अकाउंट वॉज डिसेबल ड्यू टू अनयूजुअल एक्टिविटी, ठीक है। यही वही अनयूजुअल एक्टिविटी है जिसका मैं आपको जिक्र कर रहा था, ठीक है। फिर वो कहता है अपना बिजनेस वेरीफाई करो, ठीक है। हम बिजनेस वेरीफाई कैसे करते हैं, वो यहाँ से करते हैं, ठीक है। ये देखो वो स्टार्ट, वो कह रहा है वेरीफाई करो, ये अच्छा हो गया, चलो ये, बल्कि मुझे लग रहा है हमें उसी पेज पे ले जाएगा दोबारा, ठीक है। हाँ ये वही पेज पे ले गया, ठीक है जी। वो कह रहा है आपकी ये जो EIN UTA नंबर की मैं बात कर रहा था, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम हमने कंट्री सेलेक्ट कर ली, नेक्स्ट किया, यहाँ पे कंपनी का नाम डाला, ठीक है। नाम डाल के मैंने एड्रेस डाला, एड्रेस डाल के सारी चीज़ें डाल के, ठीक है। मैं क्या करूँगा, एक सेकेंड, ठीक है, सारी चीज़ डाल के, वेबसाइट डाल के, तमाम चीज़ें यहाँ पे ऐड करके, मैं लेट्स सपोज वेबसाइट डाल देता हूँ कि MJ tech .com, ठीक है। मैं इसको नेक्स्ट करूँगा, ये मैंने नेक्स्ट किया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हमने आपका ना कनेक्शन चेक करना, तो हम कैसे चेक करें, ठीक है, बताओ कि हमें आपको कॉल करें, मैसेज करें, या कहाँ करें, ठीक है। इस नंबर पे वो कह रहे हैं आपको मैसेज करना है, ठीक है, या MMJ.com पे हमने आपको कंफर्मेशन कोड भेजना है, ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं वहाँ पे, आपने फिर डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। तो इसलिए जो भी स्टेप यहाँ से उठाना है, उसको सोच समझ के देख के उठाना, ठीक है। वेबसाइट कह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इसलिए ज़रा देख के, यहाँ पे जो भी लिखूंगा देख के लिखूंगा, मेल भेजेंगे हमें इस वेबसाइट पर या कहीं भी, ठीक है, या नंबर पर। तो लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया, और MMJ.com, ठीक है, लिख के मैंने नेक्स्ट किया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो भी वो पे आउट डिसेबल वाली वेरिफिकेशन है, वो फ़ोन कॉल कर लें, ठीक है, या टेक्स्ट मैसेज, मैं टेक्स्ट मैसेज करके नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे वो कह रहे थे वेरीफाई करवाओ, ठीक है, वेरीफाई करो। वेरीफाई कैसे होगा,
वेरीफाई होगा जो डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि आपने अपना पासपोर्ट या क्या बोलते हैं इसको, अल्लाह आपका भला करे, ड्राइविंग लाइसेंस या NIC, इनमें से कोई भी चीज़ फ्रंट और बैक के साथ आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे, ठीक है? आपने वो कर दी, ठीक है? या दूसरा, वो यहाँ पे जो हमारे वेरीफाई करने जा रहा है, बेसिकली ये हमने क्योंकि बिजनेस अकाउंट बनाया था, अब यहाँ पे वो हमारा बिजनेस सर्टिफिकेट मांग रहा है। अक्सर वो गलती करते हैं, बिजनेस पे पेआउट बना के अपने इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देते हैं। अब यहाँ पे आपने इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाने, ठीक है? इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाने, यहाँ पे आपने इस चीज का ख्याल रखना। यहाँ पे आपने क्या चीज सबमिट करवानी है वो चीज सबमिट लो। यहाँ पे आपने, क्योंकि आपका बिजनेस बैंक अकाउंट था, बिजनेस को हमने वेरीफाई करवाना था, यहाँ पे अब जो चीज हमने सबमिट करवानी है वो ये चीज है, ये एक्सेप्टेड जो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये देखो, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बिजनेस लाइसेंस और टैक्स और वैट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इनमें से कुछ भी आप, क्योंकि यूके का, अगर यूएस का होगा तो हम EIN सर्टिफिकेट अटैच कर देंगे, ठीक है? ये अटैच कर देंगे और आपका फोन नंबर यहाँ पे आप अपलोड कर दोगे, ठीक है? उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना है, क्योंकि यूटिलिटी बिल या बैंक स्टेटमेंट कुछ भी, बेसिकली वो फोन नंबर वेरीफाई करना चाह रहे हैं, ठीक है? करके आप, लेट्स सपोज, फिलहाल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी एक पिक्चर उठा लेता हूँ, ठीक है? ये देखो, मैं ये एक एक अमेजोन का मेरा स्क्रीन शॉट, मैंने ये उठा लिया। मैं यहाँ से एक और उठा लेता हूँ जी, कोई पिक्चर, कोई भी, कुछ भी, मैंने ये उठा लिया, मैंने ये अपलोड कर लिया, ठीक है? मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, कर दिया। और अच्छा जी, वो कहेगा जी टेक्स्ट करो इस नंबर पे, आपका नंबर हमने वेरीफाई करना है, आप टेक्स्ट मी नाउ पे क्लिक करोगे, अब वो आपसे कोड मांगेगा, ठीक है? कंफर्मेशन कोड दोगे, कंफर्मेशन कोड दोगे तो आपका अप्रूव हो जाएगा ये पे आउट, ठीक है? सो ये था एक वो तरीका अगर पे आउट डिसेबल हो जाए। अच्छा, अब एक और पे आउट डिसेबल है, उसका भी आपको तरीका बता देता हूँ। एक दफा अगर एक और चीज़ है कि आपका पे आउट डिसेबल हुआ, और वो पे आउट आपका डिसेबल हुआ किस वजह से हुआ, ये देखिए, ये W8 बैन फॉर्म मांग रहा है आपसे, आपका पे आउट डिसेबल हुआ, वो पे आउट आपका डिसेबल हो गया जी, अल्लाह आपका भला करे, वेरीफाई होने के बाद, ठीक है? यहाँ पे वेरीफाई था पे आउट, फिर डिसेबल हुआ, अब वो वहां पे आपसे सिर्फ आपकी आइडेंटिटी का प्रूफ मांगेगा, ठीक है? वो कहेगा मेरे भाई आप ऐसा करो, अब यहाँ पे अपना SSN या अगर इंडियन पे आउट है तो आपका आधार कार्ड या कोई भी ऐसी चीज वो अपलोड करो। अब क्या करें, आपने तो पेज खरीदा था किसी से, अब उस सूरत में क्या करें, आप उस सूरत में हम ये करते हैं भाई, उस सूरत में हम, अल्लाह आपका भला करे, किसी का भी पे आउट, ठीक है, हम पे आउट लेके उसका आधार कार्ड लेके इंडिया के किसी भी बंदे का, उसको प्रॉपर तरीके से एडिट करके, एडिट करने के बाद सबमिट कर देते हैं, एड्रेस और नाम सेम होना चाहिए जिस नाम का पे आउट था, कर दिया तो वो भी इंशाल्लाह हमारा पे आउट वेरीफाई हो जाता है, पे आउट अप्रूव दोबारा से हो जाता है। लेकिन जो पेमेंट अगर इसमें फंस जाए तो बड़ा रेयर चांस होता है पेमेंट निकलने का, वो फेसबुक या सिर्फ रेमो गरम पे होता है, वरना कोई इतना उसकी, मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ये देखो उसकी अभी एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ये देखो, ये एक पेज है, तो ये वाले झटके भी लगते रहते हैं भाई, ये काम में डॉलर तो बनते हैं लेकिन ये झटके भी बर्दाश्त करने का जिगरा रखना। अभी दिखाता हूँ लाइव एग्जाम्पल आपको, ये देखो, ये एक पे आउट था, एक पेज है हमारा, ये देखो, ठीक है? अभी देखना, अभी आपको दिखाता हूँ, मतलब तो इसका पे आउट नहीं है इस आईडी पे ना, एक मिनट अभी देखते हैं, हाँ इस आईडी पे इसका पे आउट नहीं है, मैं कुछ कोई और दिखा देता हूँ आपको। खैर, तो इस आईडी का हमारा पे आउट डिसेबल, और इसमें तकरीबन 2-1 हज़ार डॉलर के राउंड अबाउट, उससे ज़्यादा ही हमारी अर्निंग थी जो कि हमें नहीं मिली, तो अब हम बैठे हैं सुकून कर रहे हैं। तो इस तरीके से पे आउट अगर आपका हो भी जाए दोबारा से वेरीफाई, तो आप उसको अप्लाई करके कर सकते हो, फिर फेसबुक के रेमो करम पे वो खोलना चाहिए या ना खोले, ठीक है? अच्छा जी, हम क्वेश्चन आंसर सेशन पे आ जाते हैं, आपके जो भी टेक्निकल क्वेश्चन हैं, जिस भी तरह के, जितने मर्जी टेक्निकल क्वेश्चन हैं वो आप लोग पूछें,
तो मैं बारी बारी आपके तमाम जो टेक्निकल क्वेश्चंस है ना उनका आंसर कर देता हूँ, ठीक है? चलें, अब आप लोग क्वेश्चंस पूछें, क्वेश्चंस आपके मैं आंसर करता हूँ। वॉश कोशिश कीजिएगा पेआउट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो, टेक्निकल क्वेश्चंस जैसे मर्जी, तो वो क्वेश्चंस पूछें आप, ठीक है? चलें जी, पेआउट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछें सब। अच्छा जी, मेरे भाई नेट स्लो नहीं है मोहम्मद सत्तार, ये वीपीएस ओपन है, वीपीएस ओपन है, नेट स्लो नहीं है यहाँ पे, वीपीएस पे ऐसा ही होता है। अच्छा जी, यूएसए की एलएलसी से भी काम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा जी, सारे का सारा काम हो जाएगा। असद भट्टी, यूएसए की एलएलसी है और आपके पास वाइज का बैंक अकाउंट है या पेनियर है या कोई भी बैंक अकाउंट है, आपका काम हो जाएगा, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा उससे। अच्छा, आई हैव यूएस बैंक अकाउंट बट नॉट द ईआईएन और आईटीआईएन, व्हाट शुड आई डू? आप अप्लाई करते हैं सिंपल ईआईएन के लिए, आईटीआईएन के लिए, यूएस का बैंक अकाउंट। आप कहाँ से हैं जवेरिया? आप यूएस से हैं ये बताएं, आप पाकिस्तान से हैं या यूएस से हैं? यूएई पे आउट इज मोर इजी देन यूके और यूएसए? खुरम आदि, मैंने बताया ना, कोई भी एलिजिबल कंट्री का पे आउट लगा सकते हो, वो तो आपके ऊपर है, पे आउट में कोई इशू नहीं है। ये तो हमने पाकिस्तानियों को एक मैंने सीधा तरीका बताया है, दूसरे घुमा फिरा के तो बहुत सारे तरीके हैं ना। सीधा तरीका है कि आप लिमिटेड कंपनी बना के या एलएलसी, हमारे पास क्योंकि ई कॉमर्स के यहाँ सारे लोग हैं उनके पास होती है, तो उस तरीके से हम अपना पे आउट बना लें। बेटर ऑप्शन असद भट्टी, यूके यूएस दोनों अच्छे ऑप्शन हैं, जिसमें से मर्जी आप जाना चाहें, यूके से जाना चाहें या बेशक यूएस से जाना चाहें, दोनों दोनों ठीक हैं। यूके के लिए यूटीआर होना चाहिए, जरूरी है, और यूएस के लिए आपके पास ईएएन होना चाहिए, वो जरूरी है, ठीक है? जी उन जिला आप यूज कर सकती हैं, बिल्कुल आप यूज कर सकती हैं। यूटीएन नंबर कैसे अप्लाई? यूटीएन, यूटीएन नंबर नहीं, यूटीआर, यूटीआर होता है, लिमिटेड कंपनी होती है ना, जब आप जो आपकी उसके साथ आपको यूटीआर मिलता होता है, वो लाजिम मिलता है, और आपके उस एड्रेस के ऊपर कंपनी हाउस सेंड करते होते हैं, क्योंकि आपने जब टैक्स फॉर्म सबमिट करना होता है या आपने टैक्स फाइल करना होता है, उसके लिए वो जरूरी होता है यूटीआर नंबर, मॉज, तो इसलिए वो जरूरी है मॉज। इसके ऊपर एक अलग, ये मैंने पहले भी सेशन किया हुआ है और पहली क्लास होती है, और दोबारा भी क्राइटेरिया कैसे कंप्लीट करना है, इसके ऊपर एक अलग क्लास है पूरी, अगली क्लास इसी पे है, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा उसमें। यूके का बिजनेस पेपल यूएस के वीपीएस पर ओपन कर सकते हैं? नहीं जी, यूके पेपल उड़ जाएगा आपका, पेपल बहुत बहुत सेंसिटिव है, ये काम ना कीजिएगा, यूके का ही वीपीएस होना चाहिए आपके लिए, उसके पास उसके लिए। अच्छा जी, आईटीएन लेने पे तो बहुत खर्चा आता है, तो ना लेना शायद, आईटीएन ना लें, ईएन नंबर ले लें, बस बहुत है। ब्रांडेड कंटेंट का हमारा बड़ा फायदा है, बाद में हमें ना पेज का राइट मैनेजर लेने के लिए भी हमें बड़ा हेल्प करता है, ठीक है? और बाद में हमें कोलाबरेशन पे भी बड़ी हेल्प करता है ब्रांड्स के साथ, ठीक है? तो ये ब्रांडेड कंटेंट हमारा बड़ी अच्छी चीज है, हमारे पेज की जो है, जो एक हमारा पेज एक ही कंटेंट पे, एक क्वालिटी पे चल रहा हो, तो उसके ऊपर बड़ी अच्छी चीज होती है ब्रांडेड कंटेंट। फेसबुक बाद में हमें, क्योंकि हर चीज हमारी अपनी ओरिजिनल होती है, तो हमें राइट मैनेजर, राइट मैनेजर क्या, राइट मैनेजर वो चीज है कि अगर आपकी वीडियो है जो आपने लगाई, अगर कोई और लगा ले तो आप स्ट्राइक मारते हो, उसकी सारी अर्निंग आपके पास आ जाती है, तो ये एक अलग चीज है, तो राइट मैनेजर लेने में आसानी होती है इससे। मॉज पैनल वाले जो वॉच टाइम पूरा है ना, उसके ऊपर इश्यूज बड़े आ रहे हैं, पे आउट उड़ जाता है या हमारा पेज भी उड़ जाता है, तो काफी इश्यूज हैं उसके ऊपर ये। आप किसी की भी एलएलसी यूज कर सकते हैं और किसी का भी चीजें लगा सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
जी बिल्कुल, आप पेनियर का बिल्कुल, पेनियर का पे आउट नहीं होता, पेनियर इज अ कहने वो बैंक है, वो हमारा मीन है पैसे लेने का, ठीक है। पे आउट अलग चीज है, पे आउट अलग चीज है, डॉक्यूमेंट आपने टैक्स फॉर्म सबमिट करना है, तो पेनियर आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन है, ये जरा क्वेश्चन गौर से सुनने, ठीक है। भले LLC किसी के नाम पे हो, पे आउट किसी के नाम पे हो, LTD किसी के नाम पे भी हो, ठीक है, तो बैंक अकाउंट आप किसी के नाम का भी लगा सकते हैं, लाजमी नहीं है कि बैंक अकाउंट और वो चीजें सेम नाम की हो, ठीक है, ये चीज समझ लें आप, ठीक है। तो इन चीजों का ख्याल रखना आपने। जी प्रीमियम की क्लास भी है इंशाल्लाह, प्रीमियम की क्लास इंशाल्लाह हमारी 5th क्लास प्रीमियम कंटेंट के ऊपर है, 5th क्लास हमारी प्रीमियम कंटेंट के ऊपर है। सईदा जवेरिया, देखें आप पाकिस्तान से हैं तो आपका फिजिकल बैंक कैसे बनना है US में? ऑब्वियसली आपके पास कंपनी होगी ना, कंपनी की बेसिस पे ही आपने अप्लाई किया होगा ना अपना फिजिकल बैंक US में। सो अगर आपने जो कंपनी है तो कंपनी का आप सिंपल उसकी वेबसाइट पर जाके SOS की IS की लॉगिन पे जाके वहां से आप सिंपल EIN अप्लाई कर दें, फ्री में EIN मिल जाता है। अगर अर्जेंट लेना तो किसी को $40-50 दे तो आपको EIN मिल जाएगा आपके नाम का, तो वो आप अप्लाई कर दें वहां पे, सबमिट करवा दें। नहीं जी, एक पे आउट पे कोशिश करें, एक पे आउट पे कोशिश करें कि 2 से 3 पेज रखें, आप ज्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर इशू यह है कनेक्टेड एंटिटी का इशू आ जाता है, ठीक है। किस चीज का? कनेक्टेड एंटिटी का इशू आ जाता है, तो इस चीज का ध्यान रखें। वो क्या चीज होता है कनेक्टेड एंटिटी, वो दिखा देता हूँ, ये देखें, वो भी अभी आपको सामने लाइव दिखा देता हूँ ताकि आपकी वो चीज भी क्लियर हो जाएगी। ये देखें जी, कनेक्टेड एंटिटी क्या होता है। जैसे ये मेरा पेज है ना आयशा खान गेमिंग वाला, इसके ऊपर अगर आपको मोनेटाइजेशन में जाके दिखाऊं, ठीक है, पे आउट पे दिखाऊं, तो कहाँ था, कहाँ था, कहाँ था, एक सेकंड, यही था मेरे ख्याल से, ये शायद यही था। तो यहाँ से आ नहीं रहा, तो कनेक्टेड आइडेंटिटी का इश्यू आ जाता है भाई एक पे आउट पे मल्टीपल पेजेस रखने से, तो इस चीज का ध्यान रखना, बचना, पे आउट डिसेबल हो जाए, कनेक्टेड एंटिटी आ जाएगी तो पैसे नहीं मिलेंगे आपको। जी बिल्कुल, उसके ऊपर एक क्लास, ये क्लास होगी जब मैं आपको सिखाऊंगा ना ओरिजिनल कंटेंट, ओरिजिनल वॉच टाइम, ओरिजिनल कंटेंट पे काम करना, तो उसमें मैं सिखाऊंगा कि कैसे ओरिजिनल कंटेंट पे हमने फॉलोअर्स लेने हैं, ठीक है। बैंक अकाउंट पेपल या बैंक अकाउंट अटैच करने से अप्रूवल चांसेस पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अप्रूवल आपके कंटेंट के ऊपर होता है जी, आपके कंटेंट के ऊपर अप्रूवल मैटर करता है, और आपकी लक भी बड़ी मैटर करती है इस पे। 90% अप्रूवल वही अप्रूवल है जो इंस्टेंट वहीं पे मिल जाता है, ठीक है, वरना आगे जब लॉन्ग टर्म पे चलता है, आगे चला जाता है या रिव्यू में जाता है, तो फिर 50-50 चांसेस होते हैं आपको अप्रूवल मिलने के, मिले या ना मिले। बिल्कुल जी, EIN से काम बिल्कुल हो जाएगा आपका। नहीं जी नहीं, FB की ID किसी और नाम से, बैंक अकाउंट किसी और नाम से तो चल जाता, कोई मसला नहीं है इस चीज का, डिफरेंट नाम डिफरेंट चीजें चल जाती है, इस पर कोई मसला नहीं है।
वीपीएस और आरडीपी, वीपीएस प्राइस, वीपीएस 1 मंथ एक्सपायरी हो जाएगा, वीपीएन और आईपीएस से। जी बिल्कुल, मैं वीपीएस रिकमेंड करता हूँ, मैं खुद भी वीपीएस यूज करता हूँ। आप लोगों को रिकमेंडेशन मेरी तरफ से यही है कि वीपीएस यूज करें, लेकिन कोई नहीं अफोर्ड कर सकता तो वो खुद आरडीपी बनाना के काम करना चाहता तो कर ले। मैं वीपीएस यूज करता हूँ और उसी पे काम करता हूँ। एलिजिबल कंट्री की आईडी, यार मैं आपको बल्कि ना मैं सोच रहा हूँ एलिजिबल कंट्री की आईडी बनाना सिखा देता हूँ, अभी सिखा देता हूँ। ये देखो आपने क्या करना है, आज सीख लो, अभी सीख लो। ये देखो आपने वीपीएस के ऊपर बनानी है, ठीक है? बनानी कैसे है वो अभी अभी हम वीपीएस खोल के आपको बताते हैं। ठीक है, आपने जाना नेट पे, सबसे पहले अपना एक जीमेल बना लेना है, ठीक है? जीमेल का अकाउंट बना लेना है। जीमेल बनाने के बाद जैसे जीमेल बनाओगे तो आपने क्या करना है, अभी अभी लाइव बना लेते हैं, ठीक है? अभी लाइव बना लेते हैं। ये लो ये भी देख लो, ये बल्कि अच्छा अच्छा किया आपने मुझे बता दिया, ठीक है? हम जीमेल बना लेते हैं अभी। वीपीएस पे थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि स्लो चलता है, हालांकि ये काफी अच्छी कोर्स वाला वीपीएस है, लेकिन फिर भी स्लो चल रहा है। खैर हम यहाँ पे आके क्रिएट न्यू अकाउंट करेंगे, जितने चाहे मर्जी आप आईपी चेंज करते जाओ और एक ही नंबर के ऊपर जितने चाहे मर्जी आप वीपीएस बना सकते हो, ठीक है? ये गूगल के अकाउंट्स, ठीक है? लेट्स सपोज मैं अभी बनाता हूँ कि इन स्ट्रीम डेमो के नाम से, ठीक है? इन स्ट्रीम डेमो @gmail.com, ठीक है? अच्छा किसी ने पहले से लिया हुआ है, हम ये उठा लेते हैं, इन स्ट्रीम डेमो 5, ठीक है? पासवर्ड रख लेते हैं इसका, चलो पासवर्ड रख के हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ये देखो मजे की चीज बताऊं, यहाँ पे वो ऑप्शनल दे रहा है फोन नंबर, तो हम फोन नंबर नहीं डालेंगे यहाँ पे, ठीक है? मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं यहाँ से डेट सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है? कर ली, जेंडर सेलेक्ट करके दैट्स इट, नेक्स्ट कर दूंगा। ये देखो देखो लोग कहते हैं कि हमारी जीमेल नहीं बनती थी, एक नंबर पे नहीं बनती है। देखो उसने उसने कहा कुछ किया, आईपी चेंज करते जाओ, जितनी मर्जी जीमेल बनाते जाओ, कभी रेयर ही चांस होगा आपसे नंबर वेरीफाई करवाएगा। करवा भी देगा तो अपना एक ही नंबर पे, हमने तो 200 500 जीमेल बनाई हुई है, कभी कभी कुछ नहीं कहा गूगल ने। तो ये जो यूएस की आईडी मार्केट से 5 5 हज़ार रुपए की मिलती है, वो समझ लो ये वो आईडी आपको बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है? उसके ऊपर फिर लोकेशन कैसे कंफर्म करनी है वो भी बता दूंगा आपको। तो अब हम जाते हैं फेसबुक पे यहाँ से, ठीक है? ये हम गए फेसबुक पे और फेसबुक पे जाके हम अभी आईडी बनाते हैं अपनी। मैं एक न्यू टैब में बना देता हूँ, बिल्कुल देखते हैं। अच्छी तरह समझ लेना इसको भाई, तो किसी को आपको 5 हज़ार 10 हज़ार देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही अपनी फेसबुक आईडी बना लोगे तो खुद ही इसको वेरीफाई करवा लोगे, ठीक है? हम इसको साइन अप करेंगे अभी। तो हम यहाँ से अपना ईमेल डालते हैं,
ठीक है, जो भी हमने बनाया था ये यहाँ पे पड़ा हमारा, ये हमारा ईमेल है, चलो जी ये ईमेल डालते हैं और क्रिएट न्यू अकाउंट, फर्स्ट नेम। अच्छा अब नाम आपने यहाँ पे ना कुछ चीजों का ध्यान रखना, यहाँ पे अपने नाम वो डालना है जो आपके पास, जिसका आपके घर में ठीक है आईडी कार्ड अवेलेबल हो, ठीक है उसका नाम डालना है आपने यहाँ पे, बस ये ध्यान रखना आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी चीज अवेलेबल हो उसके नाम से आपने आईडी बनानी है। भले आपके पास किसी क्लाइंट का कुछ पड़ा हुआ था, जैसे आप लोग काम करते हो उसका आईडी कार्ड, आईडी कार्ड भले उसके नाम पे बना लो, या आपके घर में बेशक आपके वालिद का, वालदा का, किसी का भी आईडी कार्ड है ना, आपको उसी से प्रूफ करके दिखाऊंगा अभी, ठीक है अभी आपको उसी से प्रूफ करके दिखाता हूँ। ये देखो, लेट्स सपोज मैं बनाता हूँ अली, अली इधर हो, अकबर बैठे, अच्छा उधर यार उनका आईडी कार्ड लेके आओ। हाँ ठीक है जी, ये देखें अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ जी, ये मैंने नाम लिख दिया, ठीक है अब मैं यहाँ पे वो ईमेल लिख देता हूँ, ये मैंने ईमेल डाल दी, ईमेल को दोबारा लिख देता हूँ, पासवर्ड बना लेते हैं जी, ठीक है सब चीज़ें एक्यूरेट लिखनी है जो आपके आईडी कार्ड के या उसके ऊपर ऊपर होंगी। ये समझाऊंगा ये क्यों मैं करवा दूंगा, ये बाद में आपको फायदा देगी ये चीज़, ठीक है क्योंकि जैसे ही हम ये आईडी बनाएंगे ना फेसबुक हमारी आईडी फौरन उड़ा देगा, ठीक है फिर फेसबुक कहेगा चलो जब डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाओ, ठीक है अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करवाओ, ठीक है आइडेंटिटी वेरीफिकेशन के लिए कहेगा फेसबुक, ठीक है वो अभी मैं सिखा देता हूँ आपको कैसे करनी है, हमने आइडेंटिटी वेरीफाई कैसे करनी है, ठीक है यहाँ से मैं मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है यार लाओ जरा जल्दी से, अच्छा जी ये देखें अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एग्जैक्ट स्पेलिंग भी लिख देता हूँ, ठीक है कोशिश कीजिएगा कि इंग्लिश में हो, ठीक है और तो वो बेहतर रहेगा, ठीक है जैसे इधर नाम है, ठीक है ओके नहीं यही सही, ठीक है आईडी कार्ड के ऊपर जो नाम होगा वही डाल देना, ठीक है डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, ये डेट ऑफ बर्थ डाल दी, चलो जी ये डेट ऑफ बर्थ डाल दी, हम साइन अप कर रहे हैं, ले जी ये हमारा अब अकाउंट बन गया, अब फेसबुक ने वहाँ पे हमें कोड भेजा, हम वो कोड एंटर कर देंगे, इसमें ये कोड आ गया 94662, ठीक है ये हमारी मेल कंफर्म हो गई, चलें जी ये हमारा अकाउंट बन गया जी। अब यहाँ पे किन चीज़ों का ख्याल रखना है वो चीज़ें आपको समझा देता हूँ, वो चीज़ें आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है जिन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे जाके अपनी आईडी पे ठीक है आपने पिक्चर अपलोड करनी है, क्या करना है पिक्चर अपलोड करनी है, ठीक है पिक्चर किस कौन सी अपलोड करनी है, पिक्चर वही अपलोड करनी है जिस जो भी आपने जिसके भी फिलहाल आईडी कार्ड से को आपने अप्रूव करवाना है बाद में, ठीक है उसकी पिक्चर अपलोड कर दीजिएगा या उसकी ना भी करें लेकिन कोई ना कोई पिक्चर अपलोड लाजमी करनी है, ठीक है फेस वाली करेंगे तो उसी की करनी है, इसके आईडी कार्ड या इसको अपने प्रूफ करवाना है या वैसे भी करनी है तो किसी की भी कर दे, ठीक है उसके बाद अबाउट में आके आपने अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, ठीक है उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने प्लेस लिब पे जाना है जहाँ पे अपने अपनी जो करंट सिटी है, करंट लोकेशन है, ठीक है जो आपके पास वीपीएस है या आरडीपी है जिस जगह की वही आपने वहां पे डाल देनी है, ठीक है करंट पे, ठीक है होम टाउन भी वही डाल देना, सिटी भी वही डाल देनी है, ठीक है डाल के कॉन्टैक्ट बेसिक इन्फो वगैरह करके ठीक है आपने इसको वो कर देना है। उसके बाद
एक और चीज है वो आप देख रहे हो, वो है चेक इन। ठीक है, ये चेक इन देख रहे हो ना, आपने आपने क्या करना है, आपने चेक इन करना है। ठीक है, चेक इन करना है। चेक इन कैसे होता है, चेक इन ऐसे होता है कि आप ये देखो, आप आओगे ना अपनी प्रोफाइल पे, आप अपनी प्रोफाइल पे आओगे, आपने यहाँ पे क्या करना है, यूं यहाँ जाना है। ठीक है, फिलहाल मैं इसको पब्लिक कर देता हूँ, पब्लिक करके डन करता हूँ। और अब यहाँ पे ये वाला जो है ना, इसको चेक इन कहते हैं, ये वाला ऑप्शन देख रहे हो, आपने चेक इन करना है। ठीक है, चेक इन कहाँ करना है, जहाँ पे भी आपकी वो RDP है ना, वहीं पे आपने चेक इन कर लेना है। लेट्स सपोज मेरी शिकागो की है, मैंने शिकागो पे चेक इन कर देना है। ठीक है, मैंने शिकागो चेक इन कर देना है। ठीक है, मैंने इसको पोस्ट कर देना है, कर दिया। दूसरा आपने क्या करना है, दूसरा आपने ये करना है, आपने वही शिकागो का दोबारा, ठीक है, आपने कोई भी उसी की प्लेस नेट से सर्च कर लेना, खाने पीने की कोई भी जगह। ठीक है, आपने होटल का नाम कोई भी चीज, फिर वहां का दोबारा चेक इन कर देना। आपने ना 4-5 चेक इन कर देने हैं उसी जगह के, उसी से रिलेटेड रेस्टोरेंट्स के और उसी चीज के। ठीक है, कर दिया। ये करके आपने अपनी इस आईडी को 4 से, खैर ये फॉरन, ये फिलहाल तो आईडी उड़ जाएगी, आपने इसको वो आपसे आईडी कार्ड मांगेगा या पासवर्ड मांगेगा, आपने अपलोड करवा के इसको लीव कर देना, 24 घंटे के बाद आपकी आईडी दोबारा रीओपन हो जाएगी। हो गई, अब आपने अपनी आईडी के ऊपर, ठीक है, डेली डेली आपने अपनी आईडी के ऊपर एक चेक इन करना है, सेम स्टेट का, सेम सिटी का, उसी की जगहों का। ठीक है, चेक इन हो गया, और आपने क्या करना है, आपने उसी जगह की एक दो पिक्चर वगैरह भी लगा देनी है, लगा दी, पोस्टिंग भी हो गई। 5 दिन बाद आपने आईडी को छोड़ देना है, आपने कोई काम नहीं करना उस आईडी पे। ठीक है, आपने उस आईडी को छोड़ देना है। ठीक है, भले सिर्फ ओपन कर लिया करना दिन में एक दफा सेम वीपीएस के ऊपर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा 5 से 10 दिन के अंदर आपकी आईडी की प्राइमरी लोकेशन कन्फर्म हो जाएगी। ठीक है, आपकी आईडी की प्राइमरी लोकेशन कन्फर्म हो जाएगी इंशाल्लाह, और आपकी आईडी का जो ये चेक इन वाला इशू और ये तमाम चीजें हैं, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपकी आईडी की क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और आईडी पे आपकी इन एलिजिबल कंट्री वाला इशू नहीं आएगा। इस वक्त फेसबुक पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके आईडीज के ऊपर 90% इन एलिजिबल कंट्रीज के इशू आ रहे हैं। ठीक है, तो इनशाला इन एलिजिबल कंट्री का इशू नहीं आएगा आपके पास। ठीक है, अभी आपको उसकी मैं ना उसकी अगर आप बोलो तो मैं आपको उसकी लाइव उसकी एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। ठीक है, उसकी लाइव एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। ये देखो खैर, ये सिक्योरिटी एंड लॉग इन है, ये देख रहे हो, ये मेरी अभी लोकेशन कहाँ की आ रही है, ये देखो ये मेरी लोकेशन आ रही है शिकागो की, इलिनॉय की। ठीक है, राइट नाउ ये देखो। ठीक है, और मैं लोकेशन पे जाता हूँ, अभी मेरी लोकेशन नहीं आ रहा। ठीक है, तो वो मैं अभी इनेबल करना, वो हो जाएगा। ठीक है, और लैंग्वेज एंड रीजन, ठीक है, यहाँ से अपना रीजन जो भी लैंग्वेज का उसको US कर देना। ठीक है, ये चीज भी समझ लो, लैंग्वेज भी मैंने US की कर देनी है यहाँ से। ठीक है, इंग्लिश US सेलेक्ट कर लेनी है, ये सेलेक्ट कर ली, सेव कर दिया। यहाँ से मैंने फॉर्मेट्स, डेट के हर चीज़, अपनी आईडी की सेटिंग जो है, तमाम की तमाम चीज़ें US के अकॉर्डिंग कर लेनी है। ठीक है, जैसे मेरी तमाम सेटिंग हो गई, हर चीज़ हो गई, सेट हो गई, बस अब मैंने और कुछ नहीं करना। ठीक है, 10 दिन बाद आपकी आईडी अप्रूव हो जाएगी, ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाएगी। मैं अगर आपको एक और अपनी आईडी दिखाऊं, यही वाली, ये देखें, लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको, ये देखो ये आईडी देखो, मैं आपको भी दिखाता हूं। ठीक है, ये देखो लोग किस, आपको लाइव दिखा रहा हूं, मेरे मोनेटाइज पेजेस हैं इस पे। ठीक है, भले आप बोलो कि नहीं ऐसे ही हमें बेवकूफ बना रहा है, ये देख लो, कोई गोरे की आईडी होना लाजमी नहीं होता इसके लिए। ठीक है, ये लाइव देख लो आप लोग, ये देखो किस नाम से आईडी, अल्ताफ अहमद के नाम से, देख रहे हो, पाकिस्तानी पाकिस्तानी आईडी है। ठीक है, अल्ताफ अहमद के नाम से आईडी है। ठीक है, उसमें आईडी में कोशिश करो जो भी आपकी आईडी हो ना, 5-6-7 गोरे दोस्त भी ऐड कर देना। ठीक है, अच्छा मैं इसमें आपको दिखाऊं कुछ चीजें, तो ये देखो आप अबाउट में जाके, सेटिंग पे चलते हैं,
ठीक है जी। अभी आप यहाँ पे एक चीज देखो कि मेरी आईडी ये देख लो, सिर्फ यही दो लोकेशन ही है मेरी आईडी की, ठीक है, और वो भी दोनों की दोनों इलिनॉय की लोकेशन है, ठीक है। मेरी इस आईडी पे आज तक कोई और लोकेशन नहीं आई, तो इसलिए मुझे कभी इश्यू भी नहीं हुआ, ठीक है। मेरे किसी भी मोनेटाइज पेज के ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं, किसी पे भी मेरे पेज पे इन एलिजिबल कंट्री का इशू नहीं है। एलओसी हो सकती है, इन एलिजिबल कंट्री का कोई इशू नहीं है, ठीक है। बहुत सारे मोनेटाइज पेजेस हैं, चल रहे हैं, एलओसी लग जाती है, एलओसी लगती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये देखो जितने भी पेजेस हैं, अगर मैं आपको भी दिखाऊं तो किसी भी पेज के ऊपर इन एलिजिबल कंट्री का इशू नहीं है, ये देख लो आप, ठीक है। ये देखो ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन है, अभी ऑप्शन भी है, ये तो आराम से हट जाती है, इस पर कोई एलओसी भी नहीं है, इस पर सिर्फ मोनेटाइजेशन रिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। ये आपके सामने है, देख लो, कोई इन एलिजिबल कंट्री नहीं है। तो सिंपल था तरीका भाई, आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी यूएस की आईडी कैसे बनानी है, ठीक है। तो बिस्मिल्ला करके अपनी आईडीज बनाई यूएस की, अल्लाह खैर करे, काम स्टार्ट करें इस पे, बाकी अल्लाह ताला खैर करेगा। और 5 मिनट लास्ट दे रहा हूँ भाई, मेरा गला भी खत्म हो गया अब इस टाइम, तो कुछ भी क्वेश्चंस करने हैं तो वो आप लोग कर लें जल्दी से। अच्छा जी, ज्यादा पेजेस के लिए हम क्या प्रोसीजर रखें पे आउट का? अरे भाई वो बाद की बात है ना, वो तो भी बहुत बाद की बात है। फिलहाल इस पे तो काम करें, अभी एक पेज से तो काम स्टार्ट करें ना, वो तो आगे की बात है, हर चीज होती रहती है। मल्टीपल पे आउट तो ऑब्वियसली अच्छी चीज होती है, एक पे आउट पे फंसाए ना अपने पेजेस को, अपनी मेहनत खराब हो जाएगी आपकी, ठीक है जी। सईदा जवेरिया, आईडी बनाना आ गई आपको, चले बाकियों का भी फायदा हो गया इसमें। नहीं मेरे भाई, मेरे पास भी टाइम का बहुत इशू है ना, मसला ये है। उल्टा अच्छी बात है, आप लोगों को टाइम मिल रहा है तो आप लोग सीखो इन चीजों को, बीच में जो गैप आता है उसमें सीखो। ज्यादा लोग एलओसी एलओसी की क्लास पे आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ फनकार बहुत ज्यादा लोग हैं ना, सब काम कर चुके हैं, एलओसी लगवा के बैठे हैं पेजिस पे। तो मकसद उनको किसी चीज से नहीं, उनको मकसद सिर्फ ये एलओसी 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 सिखा दें, एलओसी कैसे रिमूव होती है सिखा देंगे भाई आपको, एलओसी रिमूव वाली भी क्लास है एक। एलओसी वाली क्लास है इंशाल्लाह, टेक्निकल एक क्लास रखेंगे जिसमें तमाम आपकी टेक्नोलॉजी को रिमूव कर देंगे, तमाम इश्यूज आपके इंशाल्लाह टेक्निकल जितने भी हैं वो रिमूव कर देंगे इंशाल्लाह। डोमेन मैंने परचेज किया था बट वो किसी और ने अपने बिजनेस मैनेजर में यूज किया हुआ है, क्या सोल्यूशन हो सकता है? क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं भाई इसमें? यूज किया हुआ तो क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया आपका। यार जो भी आपका पेज है उस पेज पे आप जाके ये देखें, एडमिन देना मुश्किल थोड़ी है, ये देखो कोई भी पेज है आपका, ये देखो लेट्स सपोज मेरा ये पेज है, एक सेकंड अभी दिखा देता हूँ यार, इजी सी चीज है ये तो। मैं वीपीएस के बगैर ही समझा देता हूँ ये, क्योंकि वीपीएस बहुत स्लो तंग करता है। ये देखो आप अपना पेज खोलो, ठीक है, लेट्स सपोज मेरा ये पेज है, अभी दिखाता हूँ आपको, कोई भी पेज एक खोल के दिखाता हूँ आपको, ये देखो ठीक है, ये मेरा पेज है। मैं पेज पे गया, पेज पे स्विच किया खुद को, ठीक है, इजी है यार, ये कोई मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे जाके ठीक है, यहाँ पे आपने आना मैनेज पे, ठीक है, मैनेज पे क्लिक करना है, ये पेज एक्सेस पे आना है, पेज एक्सेस पे आओगे, ठीक है, यहाँ से आके आपने अगर फुल एक्सेस देनी है तो यहाँ से दोगे ऐड न्यू करके, ठीक है, तो यहाँ से आप फुल एक्सेस दे सकते हो, हाफ एक्सेस देनी है तो आप यहाँ से दे सकते हो, ठीक है, तो यहाँ से आप एडमिन एक्सेस दे सकते हो, पासवर्ड डालोगे तो एडमिन एक्सेस आ जाएगी आपके पास, ठीक है।
7 डे से गेमिंग कर रहा हूँ पेज पर, लेकिन एलओसी रिमूव नहीं हो रहा। उसकी रीजन है ना, जब तक आप अपनी ओरिजिनल आईडी से नहीं आएंगे तो आपकी एलओसी रिमूव नहीं होगी। ऊपर नाम एमा अमेलिया लिखा हुआ, नीचे रहा हूँ। पहले ये डर रहे क्यों मेरे भाई? जो भी हो, मुझे पता मेरी आईडी पे बहुत सारे फनकार हैं, तो अपने ओरिजिनल आईडी से आ जाओ यार। ओरिजिनल आईडी से आके क्वेश्चंस करो, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। गेमिंग, सिर्फ गेमिंग से एलओसी रिमूव नहीं होती, खैर उसके कुछ और चीजें भी हैं। एलओसी की कुछ और तरीके भी हैं रिमूव करने के, सिर्फ गेमिंग से नहीं होती है। वीपीएस हम 1 मंथ वाला परचेज कर सकते हैं, 1 मंथ बाद एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद न्यू वीपीएस लेंगे। नहीं भाई नहीं, वीपीएस जो भी लेना, जिससे भी लेना, ऑथेंटिक बंदे से लेना, रिन्यूएबल वाला हो, ठीक है? उसको दोबारा आप रिन्यू कर सको हर मंथ, ठीक है? सेम वीपीएस को। यार सारे क्वेश्चन इसी सेक्शन में आप कर रहे हो ना, वो जब उसकी उसकी क्लास है कि तो उसी में क्वेश्चंस करना है ना। ठीक है जी, अभी पे आउट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या आईडी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई भी टेक्निकल वो पूछ लें, बस मैं सेशन को क्लोज करने लगा हूँ। बाकी जब इनका सेशन आएगा इंशाल्लाह, तो फिर इंशाल्लाह उसका सेशन करेंगे। यार मेरी डीपी चेंज करवा के क्या करना है आपने? अब मैं, यार जवाब बहुत प्यारा सा मुझे गा रहा है, लेकिन वो मैं देना नहीं चाह रहा। सो छोड़े, डीपी अच्छी है जैसी भी है, मैंने पिछले बड़े अरसे से, कोई 2-3-4 साल से चेंज नहीं की, लगने दे, लगा रहने दे। मोनेटाइज पेज डिपेंड करता है यार, आजकल तो मार्केट में इन्होंने हड हरामी मचाई है बहुत ज्यादा, उल्लू के पट्टे हैं, इनको खौफे खुदा नहीं है, फिर कहते हैं हमारे पर अजाब क्यों आता है। मोनेटाइज पेज नॉर्मल 30-40 का मिल जाता था, ठीक है एवरेज। अभी वही पेज इन्होंने कोई 60-70 हज़ार रुपये पे लेके गए हुए हैं, कोई 50 का दे रहा है, कोई 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 40 का दे रहा है, कोई 30 का दे रहा है, और एक वक्त में तो बल्कि 15-15 हज़ार रुपये का भी बिकता रहा है। अभी पता नहीं, ठीक है एवरेज, आपने ज़्यादा पैसे लेने, 30 हज़ार ले लो यार, ठीक है ऑन डिमांड वाले पेज की बात कर रहा हूँ। तो अभी कोई 50 हज़ार मांग रहा है, कोई 45 हज़ार, कोई 60 हज़ार, तो और किसी अपना अपना रेट मांग रहा है। मेरे ख्याल से अभी राइट नाउ, क्योंकि अप्रूवल रेट कम है, तो मेरे ख्याल से 30-1 हज़ार रेट होना चाहिए, 30-35 हज़ार, चलो 40 हज़ार हद। नोड वीपीएन, बिल्कुल जी, नोड वीपीएन भी चल जाएगा। नोड वीपीएन ऐसे नहीं चलता, नोड वीपीएन को हमें सेट करना पड़ता है पहले एमुलेटर के साथ, उसकी लोकेशन स्टैटिक करनी पड़ती है, उसकी एक अलग अलग, उसका अलग तरीका है। एमा मेल की, जिस दिन आप अपनी ओरिजिनल आईडी से आओगे ना मेरे भाई, उस दिन फिर आपको बता दूंगा। अपनी ओरिजिनल आईडी से मुझे मैसेज करो, मैं आपको बता देता हूँ, अभी आज ही बता देता हूँ ट्रिक एलओसी रिमूव करने की। नहीं मेरे भाई, नेक्स्ट क्लास तक वेट करें ना, अभी आपको थोड़ा सा एक कॉन्टेंट है ना, तो उसको वेट करें आप इंशाल्लाह। आज लोगों ने पोस्ट किए कॉपीराइट वर्क वाले पेजेस रेड हो गए, कुछ पेजेस की मोनेटाइजेशन डिसेबल हो गई, तो हमें कॉपी कॉपीराइट कंटेंट, देखिए कॉपीराइट कंटेंट पे काम कर सकते हैं, कॉपीराइट वाला पेज हमेशा रेड ही होगा, मोनेटाइजेशन डिसेबल होगी, लेकिन उसका एक तरीका है, ठीक है? शॉर्ट टर्म ही है, 2-3 दिन की अर्निंग होती है उस पर, ठीक है? बेहतर है आप लोगों को जिस दिन मेरा थोड़ा सा वेट करें, ठीक है? आपको मैं ओरिजिनल कॉन्टेंट पे काम करना सिखाऊंगा, उसका वेट करें, मजा भी आएगा, आप लोग लॉन्ग टर्म गेम पे चलो सारे, ठीक है? कॉपीराइट पे ये सब इश्यूज चलेंगे, तो जिसके पास पैसा है, जो अफोर्ड कर सकता है इस चीज को, तो वो करे, बाकी आप ठीक है हौसला कर जाओ, ठीक है? चले जी, दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह अगले सेशन में आपसे मुलाकात होती है मंडे को, और तब तक के लिए जितने भी कोई क्वेश्चंस हों, कोई चीज़ें हों, तो उनको अपने पास संभाल के रख लें, तो वो पूछिएगा, और वीडियो को शेयर कर दें, आप लोग देखते तो सब हैं, इसको अपनी प्रोफाइल्स पे, आईडीज़ पे शेयर कर दें, ताकि और भी लोग इसको देख सके, उनका फ़ायदा हो सके। और नेक्स्ट आप लोग बताएं, चलें आप लोग सजेस्ट करें नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पे करें।
नेक्स्ट क्लास हम करते हैं, नेक्स्ट क्लास मैं जो चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि नेक्स्ट क्लास हम करते हैं वीडियो को वायरल कैसे करना है, इसके ऊपर नेक्स्ट क्लास करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास इसके ऊपर करते हैं। तो आप लोग बताओ, आप लोग सजेशन दो किस किस चीज़ के ऊपर करें नेक्स्ट क्लास। जल्दी से बताओ नेक्स्ट क्लास किस चीज़ पे करें, आप लोग बताओ। वीडियो वायरल पर, अच्छा हाँ ये भी ठीक है, चलो चलो डन हो गया। नेक्स्ट क्लास हम करते हैं, नेक्स्ट क्लास हम करते हैं अल्लाह आपका भला करे प्रीमियम कंटेंट पे, और फिफ्थ क्लास हम करेंगे कंटेंट क्रिएशन पे। बताओ इन दोनों में से एक बताओ, नेक्स्ट क्लास किस चीज पे करें ये बताओ आप लोग, या कंटेंट क्रिएशन पे कर लो या वीडियो वायरल पे कर लो, इन दोनों में से एक बताओ, कंटेंट क्रिएशन सॉरी प्रीमियम कंटेंट या कंटेंट क्रिएशन, इन दोनों में से एक बताओ। वीडियो वायरल कंटेंट क्रिएशन, वीडियो वायरल करने पे पहले ये कंटेंट क्रिएशन फिर वायरल, ताकि हम प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कर सके। बिल्कुल ठीक है, ये भी चले रही। तो फाइनली इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हम लोग कर रहे हैं फिर कंटेंट क्रिएशन पे, बहुत मजे की क्लास होने वाली है, ठीक है। उससे अगली क्लास हम करेंगे फिर कंटेंट वायरल कैसे करते हैं इसके ऊपर, और उससे अगली फिर हम कर लेंगे प्रीमियम के ऊपर, ठीक है। और लास्ट फिर हम करेंगे टेक्निकल, जिसमें आपकी LOC और तमाम टेक्निकल इश्यूज, दोबारा पे आउट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उसके ऊपर हम लास्ट सेशन कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हमारी कंटेंट क्रिएशन पे है, ओरिजिनल कंटेंट कैसे बनाना है, क्या क्या आइडियाज हैं, कैसे उसको वायरल करना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के ऊपर बहुत मजा आएगा, बहुत मजे की क्लास होने वाली है। सो जितने भी क्वेश्चंस हो उनको आप लोग अपने दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम इंशाल्लाह कॉन्टेंट क्रिएशन के ऊपर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हमारी कॉन्टेंट क्रिएशन पे है जी, इंशाल्लाह मंडे को बहुत मजा आएगा कि कैसे आपने कंटेंट अपना बनाना है। यार कंबाइन नहीं कर सकते, मास इंसान हूँ यार मैं भी, भाई बहुत टाइम लग जाता है इस पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हमारी कंटेंट क्रिएशन पे है, उसके टॉपिक्स क्या होंगे, ओरिजिनल कंटेंट कैसे बनाना है, कंटेंट को अपलोड कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है उसकी, उसको वायरल कैसे करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट कंटेंट में वायरल वाला भी आपका कवर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में आपका ये भी चीज भी कवर हो जाएगी कि कंटेंट को वायरल कैसे करना है, ठीक है। ओरिजिनल कंटेंट पे काम कैसे करना है, कंटेंट क्रिएशन, और उसको वायरल कैसे करना है, उससे पैसे कैसे बनाने हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में आपका हो जाएगा, ओके, ठीक है। उसमें हमारे पास हम लोग कोशिश करेंगे डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं, हॉट टॉपिक्स, उसके ऊपर हम काम करेंगे, जिसमें हमारे पास गेमिंग है, गेमिंग के ऊपर आपको सिखाऊंगा काम कैसे करना है, ठीक है, गेमिंग पे काम कैसे करना है। और जी खुरम गेमिंग पे, उसके बाद न्यूज कंटेंट पे और इससे रिलेटेड प्रैंक कंटेंट पे और मिलते जुलते और कंटेंट्स जितने भी हैं उसके ऊपर मैं सिखाऊंगा काम कैसे करना, ठीक है, ओरिजिनल कंटेंट पे काम किस तरीके से करना, ठीक हो गया जी। चलो जी डन हो गया, ख्याल रखें अपना, दुआ में याद रखें, और वीडियो को आगे शेयर कर दें, इंशाल्लाह मंडे को आपसे मुलाकात होती है। सी यू, अल्लाह हाफिज़।